हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरन कीज किचन। आइसक्रीम सीरीज में आपके लिए लाई हूँ काजूदाश आइसक्रीम की रेसिपी, और ये आइसक्रीम भी हम उसी बेस में से बना रहे हैं जिसकी रेसिपी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और मैं आपके साथ पहले बटरस्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, तो वही बेस है जो हमने पहले बनाया है, उसी में से हम इतनी सारी आइसक्रीम्स बना रहे हैं। और किस तरह से आप बिना क्रिस्टल के स्मूथ सिल्की आइसक्रीम बाजार जैसी घर पर बना सकते हैं, तो आइसक्रीम बेस तैयार है। इसी में से हम थोड़ा सा बेस ले लेंगे और उसमें से हम लोग काजू द्राक्ष आइसक्रीम तैयार करेंगे। तो आप देख रहे हैं बेस को भी, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल आइस क्रिस्टल नहीं है। और एक टिप मैंने आपको बताया था कि आप आइसक्रीम बेस को जमाएं और उसके बाद उसको दोबारा बीट करें और फिर आप उसमें फ्लेवर ऐड करें, उसके बाद आप आइसक्रीम को फिर से जमाएं और आपकी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ मैं थोड़े अमाउंट में आइसक्रीम बेस को ले लूँगी और उसमें से हम काजू द्राक्ष आइसक्रीम तैयार करेंगे। तो मैंने एक बोल में आइसक्रीम बेस ले लिया है, इसमें ऐड कर रही हूँ आधा टीस्पून काजू एसेंस। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है क्योंकि हम काजू द्राक्ष आइसक्रीम बना रहे हैं, उसी का फ्लेवर हमें देना है, जो काजू एसेंस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें हम कोई कलर ऐड करने वाले नहीं हैं, बिकॉज बाजार में जो काजू द्राक्ष आइसक्रीम मिलती है उसमें कोई कलर नहीं होता है, वो वाइट होती है, तो इसलिए हम भी यहाँ पर कोई कलर ऐड नहीं कर रहे हैं। तो हमने इसमें काजू एसेंस ऐड किया है और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फिर से फेंट लेंगे। ज़्यादा हमें इसे फेंटना नहीं है, 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे फेंटेंगे और उसके बाद हम इसे एयरटाइट कंटेनर में डाल देंगे। और उसमें हमें जो ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, बिकॉज हम बना रहे हैं काजू द्राक्ष, तो काजू भी जाएंगे साथ में, द्राक्ष भी जाएगी, इट मीन्स किशमिश भी जाएगी इसमें। थोड़ी सी देर के लिए हम इसे बीट करेंगे और इसको हम लोग फ्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पास में नोटिफिकेशन बेल है, उसको ज़रूर दबाएँ और आप ऑल करके दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो इस तरह से हमें इस आइसक्रीम बेस को बीट करना है। मैं यहाँ पे बिल्कुल कटिंग नहीं कर रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैं इसे फेंट रही हूँ, लेकिन हमें 2 से 3 मिनट ही इसे फेंटना है, ज़्यादा हमें इसे फेंटना नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसे बेस तैयार करते वक्त हमें इसे अच्छे से बीट कर लिया था। तो आइसक्रीम का बेस तैयार है और मैं इसे डाल दूँगी एक एयरटाइट कंटेनर में। आप इसे किसी डब्बे में भी जमा सकते हैं, स्टील के डब्बे में भी जमा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो एकदम टाइट होना चाहिए, उसका ढक्कन अच्छे से बंद होना चाहिए, अदरवाइज इसमें आइस क्रिस्टल बन सकते हैं। तो मैंने इसमें ऐड किए हैं काजू के टुकड़े और किशमिश और दोबारा मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ प्लास्टिक का एयरटाइट कंटेनर जो नॉर्मली हम सबके घर पर होता है, और इसे हम इसमें डाल के ऊपर से हम थोड़े से काजू और किशमिश इसको डेकोरेट करेंगे और इसे डीप फ्रीज करेंगे। बहुत ही इजी मेथड फ्रेंड्स मैं आपके लिए लाई हूँ आइसक्रीम का, जिससे आप मार्केट स्टाइल बिल्कुल नेचुरल आइसक्रीम्स आप अपने घर पे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती हैं तो मेरी रेसिपीज़ को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से काजू के टुकड़े और किशमिश, इसको हम डेकोरेट कर लेंगे तो दिखने में भी अच्छा लगे और उसका जो फ्लेवर आता है जब हम आइसक्रीम को खाते हैं तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसका अपना अलग ही टेस्ट होता है। तो मैंने इसमें अच्छे से डाल दिए हैं काजू के टुकड़े और किशमिश और इसे हम लगा देंगे अच्छे से ढक्कन और इसको हम करेंगे डीप फ्रीज। तो 7 से 8 घंटों के लिए आप करिए, अदरवाइज आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं और आपकी आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से जम जाएगी। तो तैयार है हमारी काजू द्राक्ष आइसक्रीम, आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस आइसक्रीम तैयार हुई है, कोई नहीं कहेगा कि हमने इसे घर पर बनाया है। तो मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।